हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अभी 2024 का ईयर है और इस साल चुनाव होगा, और इस चुनाव के बाद कौन सा गवर्नमेंट रूल करेगी इस बात से अभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एट द एंड मैं अपनी जो भी मेहनत करूँगा, जो भी पढ़ाई करूँगा, जो भी दिन रात मेहनत करूँगा, और उसके फल पे ही मैं जॉब लूँगा, या फिर अपना जो भी मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा बिजनेस करने का, और उसके थ्रू मैं जो कमाऊँगा वो मेरा अपना खुद पे होगा। कोई भी गवर्नमेंट आकर मेरा हाथ पकड़ के मेरे को काम नहीं करवा देगी, ना ही कोई मेरा जॉब का सीट बढ़वा देगी या घटवा देगी। ये सब चीज़ मेरे जॉब से रिलेटेड मुद्दा है ही नहीं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि जो भी न्यूज़ आपके कानों पर पहुंचती है, या फिर आप जो भी चीज़ देखते हो, वो किन किन जरियों से आपके दिमाग पे आता है, या मतलब आप वो एब्जॉर्ब करते हो उन जानकारियों को, वो कहाँ कहाँ से आता है और किस तरीके से आता है, और इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली समझिएगा आप, अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो। कोई इंसान आज एक YouTube खोलता है, और कोई बड़ा क्रिएटर जो YouTube पे किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर वीडियो बना रहा है और किसी खास पार्टी के बारे में वो अपना कोई राय दे रहा है, और बहुत अच्छा तरीके से पूरा फैक्ट लॉजिकल के साथ कोई बात कर रहा है, और वो अच्छा बात कर रहा है, आपको लग रहा है हाँ, ये तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा है, ऐसा ही तो है, और उस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, और उसके बाद उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो वो वीडियो बना रहा है उसके बारे में लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऊपर से नीचे तक एकदम, जितना कमेंट पढ़िएगा बढ़िया बढ़िया कि बिल्कुल आपने सच्ची बात कह दी, ये, और उसके बाद आप YouTube रख देते हैं, और फिर बाद में मान लीजिए कि आप YouTube चलाते हैं, और सपोज़ कि कोई और एक बढ़िया जो बड़ा यूट्यूबर है उसका एक, आप जो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड वो वीडियो बनाता है उसका वीडियो आप देख लेते हो, और वो किसी अगले पार्टी के बारे में अपना कोई जानकारी देता है बिल्कुल फैक्ट अच्छे मुद्दों के साथ, तो अब आपका झुकाव उसकी ओर हो जाता है और आप बिल्कुल उसके बातों पे समर्थ करते हैं, उसका समर्थन करते हैं उनके बातों का कि हाँ बिल्कुल ये फैक्ट सही है, बिल्कुल ये सही है। अब फिर उसके कमेंट पे जाइए तो ऐसे ऐसे लॉजिकल कंटेंट आप, मतलब कमेंट मिलेंगे आपको, जिससे देख के आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, आपका इन्फ्लुएंस कहीं और शिफ्ट हो गया। आप फिर कभी और चलाइएगा, कोई वीडियो देखिएगा, कोई फिर और मतलब उसके ऑपोजिट वाले पे बात कर रहा है, तो फिर आप उसका उसके बातों पे समर्थन करिएगा, फिर अगला कोई वीडियो देखिएगा तो फिर पता चलेगा कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी अगले जो पार्टी है उसके बुराई कर रहा है बहुत फैक्ट लॉजिक के साथ, और अपने पार्टी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। उसके कमेंट पे भी देखिए, आप पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाइएगा, पूरी तरह से उसके बातों पे समर्थन करिएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश हो जाइएगा। फिर अगले ये यू वीडियो का आपको रिकमेंडेशन आएगा, जो कि अभी जो आप देख रहे थे उसके ऑपोजिट वाले पार्टी के बारे में, भलाई के बारे में बात करेगा और पहले वाले के बुराई के बारे में बात करेगा, तो फिर अब आप उसका वीडियो देखने लग जाइएगा और उसके भी बातों पे समर्थन करने लग जाइएगा, क्योंकि वो सच बोल रहा है, बिल्कुल फैक्ट के अनुसार बोल रहा है, मतलब सच बोल रहा है कि नहीं ये तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, बट वो जिस तरह से बताता है, जो भी जानकारी देता है, वो आप देख के उस चीज़ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप इधर से शिफ्ट हो रहे हैं, आप इधर फिर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, उधर शिफ्ट हो रहे हैं, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, उधर शिफ्ट हो रहे हैं, और एट द एंड आप बस एक इंटरटेनमेंट का साधन हो रहे हैं। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से डीपली आप रिसर्च करिए ना, तो कह सकते हैं कि आप अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं इन सब चक्करों में, और आप खुद अपना खुद का जो कुछ करना चाहिए वो चीज़ छोड़ के इन सब चीज़ों में आप लगे हुए रहते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, आज से 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, तो एक लड़का था जो किसी खास पार्टी को सपोर्ट करता था, और मैं देखता था कि वो जब भी सुबह का खाना खाता था, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट करता था जो हॉस्टल में मिलता था, तो वो लेकर वो अपना रूम में आ जाता था और टेबल पर खाना रखता था, और उसके आगे अपना मोबाइल रखता था और उस खास पार्टी के से रिलेटेड अपना वीडियो देखता था।
उसके बाद फिर रात का जो डिनर होता था उस समय भी वो मोबाइल रखता था और उसी से रिलेटेड। और ये मैं एक दो बार देखकर तो इग्नोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना बेवकूफाना चीज़ लगता था ये चीज़, कि वो दिन रात इस चीज़ को देखता रहता था और वो अपने आप में ऐसा महसूस करता था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदार नागरिक बन रहा है देश का, और उसको देश का चिंता है, और वो मतलब बहुत ज़्यादा इस देश का मतलब एक अहम पार्ट हो गया है। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि वो उसका जो रिजल्ट आता था उसका बहुत ही गंदा मार्क्स आता था, और वो मतलब कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, उसे HTML के बारे में पूछ लिया जाए कि बताओ तो HTML क्या होता है, तो वो चीज़ नहीं बता पाता था। एट द एंड वो उसका बहुत ज़्यादा लगातार बैकलॉग लगा, और उसके बाद वो अभी फ़िलहाल घर में ही बैठा हुआ है और अभी ना जाने क्या कर रहा है। मैं तो मतलब उसे फ़ोन भी नहीं किया हूँ, क्योंकि वो वैसे भी मेरे को उससे क्या ही मतलब है। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो वो अपना उस लाइफ को, इंजीनियरिंग का लाइफ को, इन सब चीज़ों से हटाकर प्योरली अपने पढ़ाई पे लगा देता पूरा 100%, तो इतना तो गारंटी है कि उसका कोई आउटकम बढ़िया होता, या तो वो और ज़्यादा बढ़िया से मार्क्स ले आता। वो तो लाता ही, बट ये भी चांस था कि जैसे कोई उसके ब्रांच का जो काफ़ी लड़के थे जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिसका प्लेसमेंट हुआ, हो सकता है इसका भी प्लेसमेंट हो जाता और वो अभी एक अच्छी लाइफ जी रहा होता। और वो ऐसा भी नहीं कि वो कोई अमीर लड़का था, वो बहुत ज़्यादा गरीब लड़का था, अभी अपना गरीबी वाला लाइफ जी रहा है वापस अपने घर पे। तो एक तरह से कहा जाए तो हम लोग इन सब ये सब जो हरकत करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग एक कठपुतली बन के बनाया जाता है, हमें अपने इशारों पर नचाया जाता है, हमें इन्फ्लुएंस किया जाता है अलग अलग तरीके से। मेरे को एक बात करते करते एक बहुत मतलब बड़े एक विचारक थे, उसका जस्ट नाम नहीं आ रहा है, वो फॉरेन जो थे उनका एक कहावत मेरे को याद है आ रहा है, कि उसने कहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं उन बातों को लेकर जो एक्चुअली में होती ही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस चीज़ को आप गहराई से सोचिएगा तो बहुत मतलब इसका मायने बहुत अच्छा निकलेगा। तो यही थोड़ा सा मेरे दिमाग पे आ रहा था कि ये सब चीज़ें जो होता है इन्फ्लुएंस, लोग अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ही जो आप यूट्यूब पे देखोगे कि आप यूट्यूब रिपोर्टर आ जाता है और माइक पकड़ाता है, और अगला जो कोई भी पब्लिक रहता है वो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के किसी खास पार्टी के बारे में बात करता है बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब वो एट द एंड ये भी बोल देता है कि वो मेरे बाप के बराबर है या मेरे बाप से भी ज़्यादा है, और पूछा जाए कि तुम क्या करते हो तो बताता है कि मैं कुछ नहीं, गरीब हूँ, मजदूर हूँ। खैर गरीब है मजदूर है ये कोई गलत बात नहीं है, बट एक एक लेवल ऑफ मतलब समझदारी तो होना चाहिए अपना खुद पे। हम लोग जो मैंने शुरू में ही एक बात कही थी कि आप ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो किन किन जरियों से आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की कमी है जो अपना खुद का मतलब ऐसे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि एक्चुअली में किससे कौन बढ़िया है क्या है, और फैक्ट अपने दिमाग में अपने विचार के आधार पर किसी एक पार्टी का समर्थन या विरोध करते हो। ये आज का जो मीडिया वाला जमाना है तो ये सब हम लोग इन्फ्लुएंस होके ही वोट करते हैं। बताइए तो कि कितने लोगों को के पास इतना टाइम होगा कि वो मतलब रिसर्च करे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और उसके बाद वो विचार करे कि हाँ ये सही है या गलत है। किसी लोगों ने किसी ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पर खड़े हैं, उन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के आपस में बात कर रहा है, कोई इंसान सुन लिया उस बातों को, अपने दिमाग पे बैठा लिया और उस चीज़ को मान लिया, फिर वो यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे अपना एल्गोरिथम के अनुसार उसके इंटरेस्ट के अनुसार एक रिकमेंड कर दिया उस जो उस पार्टी से रिलेटेड जो उसे देखना पसंद है, तो बस उस वीडियो को देखा, खुश हो गया, बोला हाँ हाँ अब तो इसी पार्टी को मेरे को समर्थन करना है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अजीब तो है, क्योंकि हम लोग मतलब सोचते हैं ना खुद को कि हम लोग अपने अनुसार जीते हैं, हम लोग खुद का डिसीजन लेते हैं, जो भी चीज़ करते हैं ये हमारा खुद का होता है, ये हमारा खुद का ये चीज़ होता ही नहीं है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा हमारे दिमाग पे डाल दिया जाता है। इंसेप्शन देखे हो ना, इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट कर लेना। और
वही है दोस्तों, इन सब इस बातों को अगर थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। मैं तो ये बहुत ही कम मतलब टॉपिक पे बात किया, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप से इस चीज़ को बता सकता था, अलग अलग एग्जाम्पल दे सकता था, बट उतना बड़ा मैं वीडियो करना नहीं चाहता। तो ये मतलब एक जस्ट आपको एक की पॉइंट सा मैंने दिया, तो इस चीज़ को आप अलग अलग तरीके से सोचिएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब सा मतलब आप सोचिएगा कि हाँ कुछ तो बात मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि यार तुम अपना खुद का लाइफ है आपका, आप एक बार आपका जीवन आपको मिला है, आप अपना मेहनत करिए, अपना खाइए पीजिए, अपना दिन रात जो आपके फ्यूचर में आपको मतलब वो चीज़ फायदा करेगा उस चीज़ पे मेहनत करिए, जैसा मैं कर रहा हूँ यार, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे जिस चीज़ का मेरा मेरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं फॉर्म भरूँगा और वो मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ, और मेरा किस्मत अच्छा साथ दिया तो मेरा जॉब लगेगा। अगर मेरा बहुत अच्छा से और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करता रहूँगा, बढ़िया मेरा नंबर आएगा, तो और नहीं आया तो मेरा प्लान भी ये रहेगा कि मैं किसी तरह से कोई बिजनेस कर लूँगा। एट द एंड मेरे को कोई गवर्नमेंट आकर खाने तो देगा नहीं, जो मैं दिन रात अपना टाइम वेस्ट करूँगा किसी गवर्नमेंट के ऊपर और दिन रात अपना कमेंट बाजी करता फिरूँगा और अपना टाइम बर्बाद करूँगा इस चीज़ पे। और इस चीज़ पे असर भी होता है ना, स्टूडेंट को इस चीज़ का असर भी होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देगा तो उसका पढ़ाई पे भी फोकस कम हो जाता है। ये तो होता ही है डेफिनेटली, ये फोकस मतलब खींचता ही है अपने, और भले इसका कोई मतलब आउटकम निकले या ना निकले। तो पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।